कुशनगर के एसआरपी इंटर कॉलेज में डेंगू दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों को भी डेंगू के बारे में जानकारी दी। जानकारी के बता दें कि विद्यार्थियों को डेंगू लक्षण जैसे कि तेज बुखार, सरदर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, कई बार नाक और आमाशय में रक्तचाप होना, बेहोश हो जाने के बारे में बच्चों को बताया। डेंगू मच्छर टूटे बर्तनों, घड़ों, टायर, डिब्बे आदि में जमा पानी में पनपता है या मच्छर दिन के समय काटता है। विद्यार्थियों को डेंगू से बचाने के बारे में बचाव बताए गए। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घरों और घर के आसपास टूटे बर्तन, पुराने टायर, टूटे डिब्बे, टूटे घड़े आदि की रखें। सप्ताह में बार फिर कलर टंकी के पानी को जरूर बदलें। बुखार और डेंगू के अन्य लक्षण पर नजदीकी अस्पताल जाकर जांच कर उपचार करवाएं। ये क्या समझाया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो है एक विद्यालय में जो है कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को जो है जागरूकता डेंगू के लक्षण क्या है, डेंगू क्यों होता है और उससे जो है उपचार किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में उनको बताया गया, समझाया गया। भविष्य में डेंगू न आए इसके लिए जो है एक जन जागरूकता अभियान जो है चलाया गया और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चों ने आज जो है सीखा है वो बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने जो है अक्षरशः उसका पालन करने का उन्होंने संकल्प लिया। धन्यवाद।